हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। आज माही, आज कौन सा डे है बेटा? ए माही, कौन सा डे है आज? वेनेसडे। हाँ, थर्सडे। वेनेसडे तो करी था, आज है थर्सडे। और आज बैठने वाली है गौरी, तो इसी वजह से हमें जाना है घर पे। और वहाँ पर मैंने जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने है ना कपड़े लगा दिए हैं। ओ माय गॉड, भर भी गया है पूरा। कपड़े लगा दिए हैं मशीन में, और कुछ कल के कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इसी वजह से मैंने कल धोए नहीं थे। और बारिश भी हो रही थी कल, इसी वजह से तो आज मैंने मतलब आज के और कल के कपड़े डाल दिए हैं, और मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ। तो माही, आप नहा लो बेटा जल्दी से। और हाँ, अदबी कभी भी सोया है, तो मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ। माही नहाने के बाद मैं नहा लूँगी। और यहाँ पर बन गई है मेरी ब्लैक कॉफ़ी भी। एक मिनट। हाँ हाँ, बनाना। नहाने बोल रही है, नहाने के बाद गणपति के नीचे रंगोली बनाएगी। तो यहाँ पर मेरी ब्लैक कॉफ़ी भी बन गई है, तो मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ जल्दी से। और हाँ, आज जाना है गाँव भी, तो मतलब अभी थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, गांव जाएंगे, और गांव में गौरी भी बिठानी है आज। और आज घर के भी मुझे पहले तैयारी करनी है, घर पे भी सारा कुछ रेडी करके रखना है। और क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो डिसाइड करती हूँ बाद में। और चलिए फिर मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश कर लेती हूँ और बाद में मिलती हूँ आपसे। गाइस, थोड़ी जल्दी में हूँ और मुझे करनी है अभी तैयारी, क्योंकि हमें जाना है गांव। मैंने सारे काम ख़त्म कर दिए हैं, मतलब इनके लिए भी खाना मतलब इनके लिए खाना भी बना के रखा है, सारा कुछ कर लिया है। और आरती वगैरह, पूजा वगैरह हो गई है हमारे गणपति की, और गणपति के लिए भी भोग वगैरह सारा कुछ बना लिया है। इसीलिए बहुत लेट हो गया ऑलरेडी, और घर वाले फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, तो इसी वजह से मैं अभी करती हूँ तैयारी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैं जल्दबाजी में क्या यूज़ करती हूँ। तो जल्दी जल्दी करना है। और हाँ, सबसे पहले ये रोज़ ग्लो टोनर यूज़ कर रही हूँ, अभी अभी फेस वॉश करके आई हूँ। और उसके बाद इसे ड्राई भी होने देना है, यार इतना लेट हो रहा है। अभी ये कब ड्राई होगा? और हाँ सॉरी, थोड़ा सा फ़ैन लगा दिया है मैंने, क्योंकि फ़ैन अगर नहीं लगा दी ना, तो मेरा जो ये मैंने टोनर यूज़ किया है वो ड्राई नहीं होता। और हाँ, ये वाला भी टोनर है मेरे पास, तो ये मैं अभी अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है मैंने, अरोमा मैजिक का अरोमेटिक स्किन टोनर। तो इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने मास्टर एंड टिप्स पे अपलोड किया है आज ही, तो आपको अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पैराबिन फ्री है ये, और सारे कुछ मतलब केमिकल फ्री है। तो इसी वजह से अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे परचेस कर सकते हो। तो आपको अगर इसका फुल रिव्यू देखना है, तो इसका फुल रिव्यू मैंने अपने मास्टर एंड टिप्स के चैनल पर रखा है, ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। और हाँ, ये मैंने प्राइमर यूज़ किया है, अभी यूज़ कर रही हूँ यनवाईबे का। प्राइमर से और टोनर यूज़ करने से क्या होता है कि टोनर से आपके पोर्स मिनिमाइज होते हैं, और इससे भी प्राइमर यूज़ करने से एक लेयर बन जाती है आपके स्किन पे, और इससे भी आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज होते हैं। तो प्राइमर भी यूज़ करना ही चाहिए, अगर आप कोई बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, या अगर आप कोई फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो। बट आज मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली, आज मैं करने वाली हूँ ये यनवाईबे की ही बीबी क्रीम। तो ये मैं आज यूज़ करूँगी, और ये काफ़ी अच्छा शेड है, और मतलब शेड बोल रही हूँ, मैक्स कैरेमल कपकेक, ये है मेरा शेड इसमें 6 नंबर, और मेरे स्किन टोन से काफ़ी अच्छे से मैच होता है, तो इसीलिए ये मुझे बीबी क्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर फाउंडेशन वगैरह मैं अप्लाई नहीं करना चाहती हूँ, तो तब मैं ये बीबी क्रीम यूज़ कर लेती हूँ, और मैं कोई भी ब्रश वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ उस टाइम। बीबी क्रीम, और मैं कभी जल्दबाजी में रहती हूँ तो फाउंडेशन के लिए भी ब्रश और कोई भी टूल का यूज़ नहीं करती हूँ। एक मिनट अद्विक, आप हिलाना मत, एक मिनट माही इसे पकड़ो। मम्मी, नहीं, नंतर नंतर पापा के पास लेके जाओ माही इसे।
ये है ना, जब भी मैं आपसे बात करने जाती हूँ तो ये अभी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि मैं देखता हूँ कैमरे में, तो इसीलिए ये चिल्ला रहा है। तो बस इसे अप्लाई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और नेक पर कभी भी अप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक और फिर आपके फेस का कलर डिफरेंट दिखेगा, मैच नहीं करेगा। इसी वजह से नेक पर भी अप्लाई करना ही चाहिए आपको। कोई भी आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो या बेबी सीसी क्रीम यूज़ कर रहे हो, कोई भी यूज़ कर रहे हो चीज़, तो आपको नेक पे अप्लाई करना मत भूलिएगा। और हाँ, लिप बाम अप्लाई करना भूल गई, और लिप बाम मुझे दिख भी नहीं रही है अभी, तो चलिए कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए अपना जो फाउंडेशन या बीबी क्रीम, उसे लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए ये वाइट टोन का पाउडर। मैं कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करती हूँ गाइज, मतलब ऐसे डेली के लिए वगैरह, तो डेली मैं ऐसे ही ये वाइट टोन का पाउडर यूज़ करती हूँ, तो वो भी ऐसे हाथों से यूज़ करती हूँ। ये देखो आज भी कितना चिल्ला रहा है जोर जोर से, उसको इधर आना है और माँ ही उसको लेके गई है। और शायद आप भी ऐसे ही हाथों से यूज़ करते होंगे पाउडर वगैरह, लूज़ पाउडर वगैरह, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अगर इस तरह से यूज़ करते हो तो, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल फैंसी नहीं बनती हूँ, वो वीडियो में आपको दिखाने के लिए वो करना पड़ता है, बट घर में मैं इतना सिंपल से रहती हूँ, मतलब ये वाला जो वीडियो है आप मुझे रियल देखोगे, और मास्टर एंड टिप्स के जो वीडियोस है उसमें थोड़ा सा मेकअप सिखाने के लिए करना पड़ता है टूल्स वगैरह का यूज़, और प्रोफेशनल मेकअप के लिए तो टूल्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, बट ये जो मेकअप है वो इस तरह से सिंपल ही मेकअप है और फास्ट होने वाला है, 5 मिनट में मेकअप करने वाली हूँ मैं, तो अभी आपसे बात कर रही हूँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो 5 मिनट में मेकअप हो जाता है। और हाँ देखिए, इससे ना मतलब थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहता है आपका, कोई भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम आप यूज़ करते हो तो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रह जाता है इससे, लूज़ पाउडर से, तो इसीलिए मैं ये वाला लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ। आप कोई भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे लूज़ पाउडर अवेलेबल है मार्केट में, और ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैं यूज़ करती हूँ ये। और हाँ, थोड़े से बाल स्ट्रेट भी कर लेती हूँ अपने, तो स्ट्रेटनर भी लगा देती हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं यूज़ करती हूँ ये फिलिप्स का स्ट्रेटनर, तो आपको अगर इसका लिंक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपके लिए। और नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ लाइनर, अभी मैं आप कोई भी ये नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्या बोलते हैं उसे, आई शेडो वगैरह, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिख रहा मुझे, तो सॉरी मैं यहाँ पर लगाती हूँ। तो ये है लैक्मे का इंस्टा लाइनर, तो मैं डेली के लिए यही यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लेता है बट अच्छा है। गाइस, मैंने लाइनर लगा लिया है, और मैं कोई भी विंग लाइनर नहीं लगाती हूँ डेली के लिए, डेली मैं ऐसे ही सिंपल वाला लाइनर लगाती हूँ, इस तरह से थोड़ा सा मोटा लाइनर। अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ काजल, तो काजल के लिए मैं डेली यूज़ करती हूँ यही NYB का काजल, क्योंकि NYB का काजल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो इसीलिए, और लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो इसीलिए मैं यही यूज़ करती हूँ डेली, मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर कहीं जाना हो तो दूसरे बहुत सारे काजल है एक्चुअली मेरे पास, तो मैं अलग अलग यूज़ करती रहती हूँ, बट डेली के लिए मेरे मेकअप किट में यही होता है NYB का काजल ब्लैक वाला। और फिर मैं अप्लाई करती हूँ ये मस्कारा, तो ये है हाइपरकल मेबलिन का मस्कारा। अच्छा, ये वेट कर रहे हैं मेरा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस, मस्कारा बहुत ही अच्छा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाला मस्कारा, मतलब डेली यूज़ कर सकते हो आप, और काफ़ी अच्छे से वॉल्यूम देता है आपके लैसेस को, आप देख ही लेना। अभी मैं यहाँ पर मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर करती हूँ। और इसमें मैंने वाटरप्रूफ नहीं लिया है, क्योंकि वाटरप्रूफ लेने से क्या होता है, आपकी जो लैसेस है वो मतलब
लैसेस टूटने का डर रहता है, इसी वजह से वाटरप्रूफ नहीं लिया है मैंने। मैंने डेली यूज़ के लिए ये क्या बोलते हैं उसे, वॉशेबल वाला ही लिया है। और किसी ने बोला था कि मुझे मेकअप दिखाया करो, इसी वजह से आज मैं मेकअप दिखा रही हूँ आपको, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेती हूँ। मस्कारा अप्लाई हो गया और आप देख सकते हो लैशेस कितनी लॉन्ग लग रही है। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल करती हूँ, तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं MN की आईब्रो पेंसिल है, इसमें इस तरह से ये कोम करने के लिए भी आता है, तो यही मैं डेली के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है एक्चुअली डेली मेकअप करने का, तो इसी वजह से मैं जो जल्दी से होता है वही मैं यूज़ करती हूँ, इससे जल्दी जल्दी होता है। और हल्के हाथों से मैं स्ट्रोक करती हूँ, देती हूँ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि ये ब्लैक है, और थोड़ा सा ही यूज़ करती हूँ और मैं कॉम कर लेती हूँ, तो नेचुरल दिखती है थोड़ी सी आपकी आईब्रोज। देखिए मैंने आगे नहीं अप्लाई किया था, पीछे पीछे ही अप्लाई किया था, और जब मैं कॉम कर रही हूँ तो आगे नेचुरल दिखेगी आपकी आईब्रोज। अगर आप आगे अप्लाई करोगे तो इतनी ज़्यादा नेचुरल नहीं लगेगी। और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का सिंदूर, थोड़ा सा सूट वगैरह पहना है और गाँव में जाना है, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर लग गया, तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये रखो, और गाँव जाने के लिए थोड़ा सा भर के भी रखा था इसमें मैंने कुछ चीज़ें, तो ये वाली मिनी लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर की, तो इसका नाम मुझे याद नहीं है, बट ये वाली मेरे सूट से मैचिंग होती है। अब थोड़ा सा लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ, तो अभी बाकी के लिप बाम तो दिख नहीं रहे मुझे, वो निविया का यूज़ करती हूँ, तो वो शायद किसी चीज़ में रख दिया होगा, तो अभी ये ब्लू हेवन का यूज़ कर रही हूँ चेरी वाला। एक्चुअली लिप बाम जो है पहले अप्लाई करती हूँ, बट माही ने रख दिया था इसी वजह से। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में अगर बात कर रही होंगी तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि हम कहीं बाहर जाने के लिए जल्दबाजी में होते हैं तो इस तरह से ही हड़बड़ा के बात करते हैं। माही ब्रश कहाँ है बेटा मेरा? हाँ बता। माही ने ब्रश डाल दिया और बोल रही है मुझे नहीं पता। ये देखो मुझे नहीं पता, माही का ब्रश यूज करने वाली, तो जल्दबाजी में हूँ तो डर भी रहता है जलने का, तो इसी तरह से मैं थोड़ा ज्यादा नहीं करूंगी, एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं करूंगी, क्योंकि हेयर मेरे गीले भी हैं, अभी तक ड्राई नहीं हुए हैं, तो इसी वजह से इतना प्रॉपरली मैं स्ट्रेट नहीं करूंगी अपने हेयर को, बट थोड़ा सा स्ट्रेट दिखने भी चाहिए। टाइम पर आप अगर रेडी होते हो ना तो ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है हमेशा, और ये वेट करते रहते हैं मेरा। क्योंकि मुझे सारे काम भी करने पड़े ना घर घर के, इसी वजह से ये तो अभी आया है ड्यूटी से, तो सारे काम करने पड़े और 1 मिनट आया 1 मिनट वेट कर रहा है मेरा, तो चलो निकलते हैं। और माही ये ले लो बेटा साथ में, हाँ ये सारी चीजें,
लेके जाने के लिए भर रही हूँ मैं सारी चीज़ें। वो लिया के रोज लो ना, ये वाला ये सीरम भी ले लो। नहीं टोनर नहीं, वो फेस वॉश है। और ये थोड़ा सा परफ्यूम, अरोमा मैजिक का बोल रही थी ना, अरोमा मैजिक का नहीं ले रही हूँ, यही वाला रोज ग्लो वाला ले रही हूँ अभी। ये ख़त्म कर देते हैं पहले, फिर वो वाला यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। वो थोड़ा सा एक दो दिन मैंने यूज़ किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक उससे मेकअप टिका रहता है और पोर्स भी मिनिमाइज हो रहे थे, इसी वजह से मैंने उसका रिव्यू शेयर कर दिया। अभी ऑर्डर किया था मैंने पर्पल से वो, और थोड़ा सा नीचे से रह गया था। और हाँ और क्या भूल गई मैं कुछ, हाँ पिन दी तो माही हाँ? वो कहाँ है लिपस्टिक, लिपस्टिक तो मैं क्या करती हूँ, वो जो मरून कलर का लिपस्टिक है उसे ही एज ए बिंदी ओ ओ ओ ओ ये अद्विक एज ए बिंदी अप्लाई कर लेती हूँ, नहीं तो मैं एक मिनट ये देखो गॉगल दिखा रहा है, एक मिनट जो भी मैं सपोज़ मैं अगर मरून कलर की लिपस्टिक लगाई मैंने तो वो बिंदी अप्लाई कर लेती हूँ। और ये वाला कॉम्ब है ना टेल कॉम्ब, एक सेकंड माही आप हिलाओ मत बेटा, मैं नहीं कर रही, यहाँ पर नहीं लगाती। ये देखो इस तरह से एज ए बिंदी से अप्लाई कर लेती हूँ मैं, अगर पिंक कलर का हुआ तो पिंक कलर का, नहीं तो फिर रेड कलर, मरून कलर की है मेरे पास एक लिपस्टिक तो मरून कलर की अप्लाई कर लेती हूँ। हाँ सो गाइज रेडी हो गई हूँ मैं, और इस तरह से हो गई हूँ रेडी और ले लेती हूँ चुन्नी इसकी। चलिए हाँ ये भी रेडी हो गया है, देखो ये बापरे बापरे ढोकला खा रहा है ढोकला तो चलिए फिर बाबा ये मिलते हैं ससुराल जाके। हे गाइस आ गई हूँ मैं ससुराल, और यहाँ पर हो रही है छत की तैयारी, छत तो रेडी है मतलब गौरी का, और यहाँ पर दोनों भैया जो है वो स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो सारा कुछ रेडी हो गया था, छत वगैरह रेडी हो गया था, बस स्टेज तैयार होना बाकी था। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर दीदी ने खाना बना के रखा था, मैं तो घर पे खाना बना के आई थी बट यहाँ पर मैंने खाना नहीं खाया था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आके खा रही हूँ। तो गोभी की सब्ज़ी है यहाँ पर बनी हुई, और नीचे जो है वो दाल बनी हुई है, और राइस है और रोटी है। और हमारा वेट करते करते सबने खाना खा लिया था, हम ही रह गए थे, तो मैं यहाँ पर खाना खा लूँगी अभी, और उसके बाद हम लोग करेंगे गौरी बिठाने की तैयारी। तो जब भैया स्टेज वगैरह रेडी कर देंगे तो उसके बाद हम लोग सारी तैयारी करेंगे, मतलब गौरी बिठाने की, गौरी को साड़ी वगैरह पहनाने की। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं और मेरी जो जेठानी है सबसे बड़ी, तो ये रेड साड़ी वाली सबसे बड़ी जेठानी है मेरी, तो और जो बीच वाली जेठानी है वो हमें दे रही है सारा निकाल निकाल के। तो यहाँ पर मैं साड़ी पहना रही हूँ, और दीदी इधर एक बड़ी वाली जेठानी जो है मेरी, तो बड़ी गौरी को साड़ी पहना रही है और छोटी गौरी को मैं पहना रही हूँ। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, मैं छोटी को हमेशा पहनाती हूँ और बड़ी जो जेठानी है मेरी बड़ी वाली को पहनाती है, बड़ी गौरी को, तो इसीलिए। और यहाँ पर देखिए मैं साड़ी पहना रही हूँ, और हमेशा जो है वो छोटी को मैं ही पहनाती हूँ। और यहाँ पर जो है मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ, तो यहाँ पर जो ज्वेलरी है गौरी की वो निकाल के दे रहे हैं, और यहाँ पर माही भी उनको हेल्प कर रही है, तो माही भी निकाल निकालने में हेल्प कर रही है। तो गौरी के दोनों गौरी के अलग अलग जो ज्वेलरी है वो निकाल के दे रही है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट गई थी, मैंने कैमरा पकड़ लिया था, तो यहाँ पर मेरी जो बीच वाली जेठानी है वो आ गई थी छोटी वाली को, छोटी वाली गौरी को साड़ी पहनाने। तो
अभी मेरी बीच वाली जो जेठानी है वो पहना रही है छोटी वाली को, और बड़ी वाली जो जेठानी है वो बड़ी वाली को पहना रही। और यहाँ पर ईशु जो है वो टीचर डे का सेलिब्रेशन करने गई थी स्कूल में, तो वो साड़ी पहन के गई थी, तो इस तरह से कुछ रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। तो वो मटक रही थी यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर माही मजाक कर रही थी उसका, और माही उसके पैर पड़ रही थी। तो और ये जो है बैठी है वो मेरी देवरानी है, मतलब इनके जो चाचा जी है तो उनकी बहू है, और वहाँ पर बैठी है, और चाचा जी की मतलब चाची जी भी है वहाँ पे, और मेरी सासू माँ, तो ये तीनों बैठे थे वहाँ पे। मैंने इधर शूट करने के लिए कैमरा पकड़ा तो उधर दोनों दीदी गौरी को तैयार कर रही थी, फिर मैं भी गई उनकी हेल्प करने के लिए, और मेरी जो देवरानी है वो भी आई हमारी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर देखिए गौरी रेडी हो गए हैं और सारा कुछ मतलब हो गया है, अभी हम लोग आरती ही करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो आप देख सकते हो पूरा रेडी हो गया है यहाँ पे। और मेरी जो जेठानी है जो कुछ देख रही है कुछ रह गया है क्या यहाँ पे, तो इसी वजह से, तो बस गौरी का सारा कुछ हो जाने के बाद हम लोग आरती करेंगे। गैस आरती की तैयारी हो रही है, और माँ लक्ष्मी जो है हमने बिठा दी है, आरती की तैयारी हम लोग कर रहे हैं अभी, क्योंकि मतलब क्या होता है कि पहले महालक्ष्मी जो है पूरा सारा कुछ करना पड़ता है अच्छे से, तो इसी वजह से हम लोग कर रहे हैं। और सारी लेडीज़ वगैरह आ गई है अड़ोस पड़ोस की। हाँ देखिए मैं इयररिंग्स वगैरह पहन के नहीं आई थी, तो मेरी जिठानी बोल रही थी कि आज के दिन पूरा श्रृंगार करते हैं, तो मैं बैंगल वगैरह तो पहन के आई थी, बट मेरी जिठानी बोल रही थी कि इयररिंग्स वगैरह डाल के नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दबाजी में मैंने ईशु के इयररिंग्स पहन लिए, मतलब मेरी जिठानी की जो बेटी है बड़ी बेटी, तो उसके इयररिंग्स पहन लिए और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और हाँ अभी हम लोग पूजा करने वाले, पूजा तो सारा कुछ तैयारी तो हो ही रही है नीचे, और सारा कुछ हो ही रहा है, थोड़ा 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 करके बहुत देखना पड़ता है गौरी का, तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे चीज़ों को देखना पड़ता है। और ये यहाँ पर मेरी जिठानी का बेटा पीछे वाले, तो हाँ देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं सारे। हाय बोलो, ए शिवा हाय। हाय जल्दबाजी में हाय बोल रहा है। तो चलिए फिर मैं नीचे जाती हूँ, अभी मैंने सोचा आपसे बात कर ली थी थोड़ी देर, आपको भी पता चले कि क्या क्या हो रहा है, और मैं वॉइस ओवर करके आपको बता ही दूंगी कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। तो चलिए फिर अभी नीचे जाते हैं और करते हैं आरती। और देखो अद्विक, अद्विक ने देखो क्या हाल कर दिया है अपना। अद्विक देखो 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 इसी यहाँ पर आता है ना, तो देखो केला भगवान के पास को लाया कि ये भगवान के पास को लाया क्या? हाँ 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 चलिए फिर दिए लगाती हूँ, मैं जिठानी बुला रही है मेरी, तो मैं दी लगाती हूँ अभी, और आरती स्टार्ट होगी थोड़ी देर में। और देखो ये भगवान के पास के लाया क्या ये? अरे शिव भगवान के पास के लाया क्या? हाँ देखो भगवान के पास के ला के खा रहे हैं। मैं पूछती हूँ अभी नीचे जाके। हे गाइस यहाँ पर है मेरी देवरानी और उसकी बेटी श्रीवेदा, तो इसको आपने मेरे राखी वाले व्लॉग में देखा ही है, और काफ़ी ज़्यादा क्यूट है गाइस ये, जब भी मुझे दिखती है, और माही भी इसे बिल्कुल छोड़ती नहीं है और हम लोग भी इसे बिल्कुल छोड़ते नहीं है, तो सबसे छोटी है अभी ये हमारे घर में। तो यहाँ पर सब लोग लेडीज़ बैठी है पूजा की तैयारी करने, मतलब आरती की तैयारी हो रही है यहाँ पर, और आरती करने के लिए सभी लोग लेडीज़ बैठी हैं। और यहाँ पर मैं अभी दिया लगाऊंगी आरती के लिए, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ दिया, और सब पूछ रही हूँ दीदी से कि क्या क्या करना है अब इसके बाद, और हम लोगों की मजाक भी चल रही थी तो यहाँ पर मैं हंस भी रही थी। तो देखिए बिल्कुल वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, तो मतलब तीनों देवरानी जेठानी मिलके मतलब हमारे हंसी मजाक चलती रहती है, कोई भी हम लोग कुकिंग भी करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे हंसी मजाक चलता ही रहता है, तो हम लोग बिल्कुल शांति से नहीं रहते। तो कल के ब्लॉग में आपने देख ही लेना कि क्या क्या हो रहा था, मतलब कल का ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि कल होने वाले है गौरी का भोजन, मतलब गौरी का खाना होने वाला है हमारे घर पे, तो कल का भी व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो कल का व्लॉग मिस मत करना आपने, कल का व्लॉग बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, तो अभी आरती स्टार्ट होने ही वाली है, और श्रीवेदा रो रही थी वहाँ पे देखिए, और आरती अभी माही ने ली है, तो आरती हम लोग करने वाले हैं, तो आरती स्टार्ट हो गई है, और उसके बाद आरती हो गई थी यहाँ पे,
और देखिए आरती होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था सारा कुछ, लाइटिंग वगैरह लगा दी थी स्टेज की, तो इस तरह से कुछ दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था घर में। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं लहसुन वगैरह छील रहे हैं और यहाँ पर मिर्ची वगैरह तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सभी लोग हेल्प करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर गांव में ऐसा ही होता है कि कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि हम लोग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं और सब लोग हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर लहसुन वगैरह छीलने में, क्योंकि दूसरे दिन का खाना है और दूसरे दिन बहुत सारा लहसुन और बहुत सारी मिर्ची लगने वाली थी, मतलब मिर्ची का पेस्ट वगैरह सब्जी के लिए। तो कद्दू की सब्जी बनती है हमारे यहाँ पे दूसरे दिन, तो कद्दू की सब्जी जो है वो स्पेशल है गणपति के लिए और गौरी के लिए बनती है, तो इसी वजह से हम लोग वो कर रहे थे। गाइस आरती वगैरह हो गई है हमारी और हाँ बाबा तुम्हें तो बस ले लेगा। मेरे ससुर जी यहाँ पे बैठे हैं 1 मिनट, और नीचे ना आवाज़ ही नहीं आ रहा, मतलब काफ़ी सारी लेडीज़ आ रही है अभी दर्शन के लिए और इसी वजह से मैं ऊपर आ गई थी, तो हाँ मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर अंदर में पापा बैठे थे और मैं जा ही रही हूँ आगे, तो हाँ तो इसी वजह से मैं सोचा कि थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आपसे, फिर अभी काम में लग जाऊँगी तो आपसे बात नहीं करना होगा। हाँ हम लोग अभी खाना बनाने वाले हैं, तो मेरी जो जेठानी है वो आटा गूंद रही है, तो हम दोनों मिल के रोटियां बना लेंगे और उसके बाद वहाँ पर मैं शूट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ना बहुत सारी लेडीज़ हैं वहाँ पे और एक्चुअली मैंने ट्राईपॉड नहीं लाया है यहाँ पे, तो इसी वजह से मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाऊँगी। और चलिए फिर अभी इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और कल है गौरी का खाना, तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो कल का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा क्योंकि कल गौरी का खाना है, तो काफ़ी अच्छे से माहौल रहता है हमारे घर पे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं अच्छे से ब्लॉग में आपसे, तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको पसंद आए तो। और हाँ आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स के वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़, हॉल वीडियोज़ ऐसे डालते रहती हूँ। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, रात हो गई है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।